नाथ फकीर यूट्यूब चैनल के द्वारा आइए आज फिर से सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग यानी सत्य का संग। कई लोग कहते हैं कि मैं बुढ़ापे में सत्संग करूंगा, बुढ़ापे में जाऊंगा तीर्थाटन करने, बुढ़ापे में करूंगा दान पुण्य। क्या कहते हैं नौ युवक युवती भी ऐसा ही कहता है, ये उम्र थोड़ी है भजन भक्ति के लिए, अभी तो हम नेम फेम पैसे कमाएंगे, अभी समय कहाँ आया है, समय आएगा तब देखा जाएगा। लोगों को पता ही नहीं, ना जानो इन श्वास को आवन हो या न हो। अरे वापस ये श्वास अंदर आएगा, आएगी या नहीं आएगी किसी को पता ही नहीं, किसको पता। कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा के तो जन्म नहीं लेता, किस दिन मरूंगा, है ना साथ जी। कहते ना जगत मुसाफिर खाना, एक दिन तो सबको जाना ही पड़ेगा, कब किसका बुलावा आ जाए क्या पता, क्या पता। फिर ऊपर परमधाम में जाएंगे, फिर राज्य पूछेंगे, धनी पूछेंगे, परमात्मा पूछेंगे, ए भाई अच्छा काम करके आए हो, फिर जाके महाराज जी को बोलोगे, शिकायत करोगे, नहीं किया आपने, करने ही नहीं दिया, हमने तो सोचा था बाद में करेंगे 70-80 के बाद, आपने तो जल्दी बुला लिया। इसीलिए भजन भक्ति को किसी समय के लिए छोड़कर मत रखिए। सत्संग भजन भक्ति किसी उम्र के लिए नहीं होता। नहीं भरोसा खिन को है, वर्ष मास और दिन, एक क्षण का कोई भरोसा नहीं। अच्छे कर्म करें, सत्संग करें, भजन करें, भक्ति करें, जीवन बिताएं। कोई भरोसा नहीं किसी की उम्र का। पानी का परपोटा है यह शरीर, श्री जी ने कहा पटक ब्रूम, कब हो जाए पता नहीं, कब किसका बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। बस बुलावा आ जाए इसके पहले अपने दोषों को ज्ञानाग्नि से जला डालें। स्मशान में जलकर राख होने से पहले ज्ञानाग्नि से अपने पापों को जलाएं, दोषों को जलाएं और शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर उस धनी के चरणों में पहुंचे, उस परमधाम को पाएं, पावन बन जाए, शुद्ध बन जाए। हे जिस सत्संग की आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, अरे कबीर संगत साध की, हरे कोट अपराध। खेवटिया सतगुरु सही, वो क्षण में लगावे पार, करतार सदगुरु महाराज। सत्संगत अमर जड़ी है, श्री जी ने कहा साधो साधनी संगत कर जो, बस उनके साथ जुड़ना है सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, संसार से भव पार हो जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। भजन गाते ना हम लोग साथियों, नाम जपने से तर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा, कृष्ण दर्शन से तर जाएगा, भव से पार उतर जाएगा। यह है सत्संग की महिमा। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। समर्पण, भक्ति समर्पण मांगता है जीत तुम्हारे हाथों में है, और हार भी तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे
हाथ अर्पण कर दीजिए। दुनिया भर का जो भार लिए फिरते हैं अर्पण कर दीजिए। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। श्री जी ने भी कहा है जल कमल मत रहो, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे चरणों में हाथों। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, राज्य के हाथ के नीचे ही है सब कुछ। मेरी मझधार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, मुझ में नहीं है सहारा किसी और का, कोई साथ नहीं देता इसी कमजोर का, एक धनी तुम ही हो सबके खेवैया, आकर के बचा लो हे कन्हैया। पुकार करें, भव सागर से तारना तेरा काम है, मेरे होठों में बस तेरा नाम है। मिराज कहे मुखैदा ना जो बड़ी रुदेर मंत। चारों ओर बड़ाई तूफान है, चारों ओर बड़ाई तूफान है, तेरे सुंदर साथ की खतरे में जान है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए आओ जी वाला, मेरी मझधार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया। तुम साथ जो हो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, गुलफाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पुकार करें, मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूं काबिल। श्री जी भी कहते हैं टूटी हुई वाणी से गुणगान मैं कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान मैं कैसे गाऊं, ये प्रार्थना है। तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तुम्हारी ही प्रेरणा से कमाल हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस पुकार करना चाहिए, प्रभु भक्ति में लीन हो जाए, प्रार्थना करें, पुकारें, भजन भक्ति को परमात्मा पाने की जरिया बनाएं और समय का सदुपयोग करें और भक्ति में लगाएं, खूब भक्ति में लगाएं। है भाव के भूखे भगवान ये वेद बताते हैं, और जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं। भाव ही विद्यते देव, भाव में रहते हैं परमात्मा, इसलिए हम सब परमात्मा भजन में भगवत भजन में लीन हो जाएं। अभी से कल नहीं, गीता का सार क्या है, तुम अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, हैं? यही उत्तम सहारा है अपने आप को। जो परमात्मा सहारे को जानता है वो भय से मुक्त हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है, शोक से मुक्त, सर्वथा मुक्त हो जाता है। गीता का सार है ये। अब गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता, बस शरण शरण ग्रहण करें, चरण शरण उनका सुमिरन करें, फिर अंत में दर्शन पाएं, फिर मरे। इसी को कहते हैं मोमिन मौत फरक। सांस से निकले जब हमारी, हमको ये एहसास हो,
सांसें निकले जब हमारी, हमको एहसास हो और कोई ना हो, हो ना हो, आप मेरे साथ हो बस, और कोई हो ना हो, आप मेरे साथ हो। इस बात को राज्य से कह दे, जिंदगी जब तक रहे धनी, तेरा आपका मेरा साथ हो, जिंदगी जब तक रहे, बस तमन्ना है यही, बस तमन्ना ये, बस तमन्ना है मेरी, मेरे सिर पर तेरा हाथ हो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, मेरे सिर पर तेरा हाथ हो, बरत हस्त आपका, आप हाथ रखें मेरे सिर पर खड़े सुभान। क्यों चिंता व्यर्थ करना, क्यों, क्यों, गीता ने कहा है, क्यों व्यर्थ डरते हो, क्यों चिंता करते हो, किससे डर रहे हो? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, हम न मरने वाले हैं न पैदा होने वाले हैं। अमृत पुत्र, गीता वेदों में लिखा अमृत पुत्र, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, काहे को टेंशन, काहे को टेंशन में घुसे रहना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, गीता में यही लिखा है, वर्तमान में जियो, वर्तमान चल रहा है। अरे हमारा क्या गया, हम रो रहे हैं, क्या गया हमारा, हमने क्या लाए थे, क्या लाया, क्या ले जाएगा जो हमने खो दिया। अरे हमने क्या पैदा किया जगत में जो नाश हो गया, और नाश होने के डर में भरे पड़े हैं, ना कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया परमात्मा से, जो दिया परमात्मा को दिया, यहीं पर दिया, जो लिया परमात्मा से लिया, और जो जो कुछ भी दिया वो भी परमात्मा को ही दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। देखिए जो आज संपत्ति जमीन आपके हाथ में, कल किसी और का हो जाएगा, वर्षों के बाद किसी और का हो जाए, हम उसी को अपना समझकर मग्न हो रहे हैं, है ना, मेरी मेरी कर तो दुनी जाता है, यही दुखों का कारण है। श्री जी ने बताया, दिन दुख रूपी दिन रात, श्री जी ने श्रीमुख वाणी के माध्यम से बताया दुख रूपी दिन रात, और कहा पांच तत्व मिलन मोहल रचियो है। ये शरीर अपना देखिए किससे, किस किस तत्व से बनी है, अग्नि वायु पृथ्वी आकाश जल से बना है, और इसी में ये मिल, प्रकृति में माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, कब जागोगे अभिमानी, कवि ने बहुत सुंदर कहा, ये शरीर हमारा नहीं है, और नहीं हम इस शरीर के हैं, ये मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेबे, पांव पल का नहीं भरोसा, ये मेरा तेरा, ये छोटा बड़ा, ये अपना पराया, ये मन से निकाल दीजिए, पता नहीं कब मरना पड़ेगा, मन से निकाल दीजिए, विचार से हटा दीजिए, हम सब एक वतन के, अपनी रूह नाही दो है, ऐसा समझिए कि सब परमात्मा का है, हम सब परमात्मा के हैं, हम सब धाम धनी के हैं। श्री जी ने एक जगह कहा है, तुम ही कारण क्यों ये संसार, सपनावत संसार की रचना आपके लिए की गई, हमारे लिए बनाया है, तो श्री जी ने कहा संसार को सपनावत जानो। साथ उठा हंसता सुखले, और सदा उस अखंड आनंद में प्रफुल्लित रहो, दुख आए तब भी प्रफुल्लित रहो, सुख आए तब भी प्रफुल्लित रहो, प्रसन्न रहो, ये श्री जी ने बताया, जीवन जीने की कला सिखाई। हम तो रात दिन रोते रहते हैं, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्रीमुख वाणी ने कहा है किसी को दुख मत दो, और बने तो सुख दो, दे सकते हो तो, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाकर आप अपना कल्याण नहीं कर पाओगे, ये वाणी ने कहा है। हम यही काम करते रहते हैं, रहबे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहू न दुखावे, किन किसी को दुखाना नहीं चाहिए। रहबे निर्गुण होए का क्या मतलब है, आप मर्यादा में रहो, मर्यादा में चलो, मर्यादा में खाओ पियो, उठो बैठो, शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध शाकाहारी बनो,
और ऐसा काम मत करो, रहवे निर्गुण होए का अर्थ ऐसा काम मत करो जो आपको नीचा दिखना पड़े, यह भी इसी का अर्थ है। रहवे निर्गुण होए के, श्री जी ने कहा इस तरह, और श्री जी ने कहा रहवे निर्गुण होए का अर्थ आलसी मत बनो, यह भी उसी का अर्थ है, और स्वार्थी मत बनो, पुरुषार्थ करो, गंगा प्रभावत पुरुषार्थ करो। और स्वभाव को कैसे बनाओ, बालवत बच्चे की तरह अपना स्वभाव बनाओ, यह भी रहवे निर्गुण होए के अर्थ है। और सभी के प्रति अति प्रेम रखो, यह भी रहवे निर्गुण होए का अर्थ है। प्रेमी बनो, इश्क बढ़ा रहे सबन में, और भीतर हिम्मत रखो, मैं कुछ कर जाऊंगा, बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठूंगा, या दर से ही हो जाएगा या मर के उठूंगा, ये हिम्मत रखो। ये श्रीमुख वाणी की आज्ञा है, उसे उसके अनुसार हम चलेंगे। ये तो वेद उपनिषद गीता सबका सार कुल जम ये वाणी है। जो इस वाणी के अनुसार चलेगा, हम चलेंगे, तो हमारी मुक्ति निश्चित है, मोक्ष निश्चित होने वाला है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, फिर नहीं आएंगे जगत में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। अंत में हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्राणनाथ, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्राणनाथ, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम अशरण, अब शरण में लीजिए, अब शरण में लीजिए। सब जग मंजूर भटक कर ली शरण आपकी, पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी। बस अब धाम धनी परमात्मा को पाने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को लगाएं, है ना। विश्वास करीने दौड़े जे तारतम न फल्ले से। महान व्यक्तियों ने, सदगुरु ने, महामति ने, महावीर ने, मीरा ने, बुद्ध ने यही किया, राम ने यही किया, रहीम ने यही किया, सभी महापुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने, मंसूर ने, सभी भक्तों ने, जितने भी अवतारी पुरुष आए जगत में, सभी ने पुरुषार्थ किया, एक लक्ष्य बनाया, सुरता एक ही राखियो। सभी का लक्ष्य परमात्मा था, सभी का लक्ष्य। आइंस्टाइन क्यों ना हो, एडिसन क्यों ना हो, शेक्सपियर क्यों ना हो, मैक्स मुलर क्यों ना हो, बड़े बड़े सुकरात, नेल्सन मंडेला क्यों ना हो, सभी ने परमात्मा रूपी महान लक्ष्य बनाकर रखा था जिंदगी में, और आगे बढ़े, और संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ वे आगे बढ़े और परमात्मा को प्राप्त करने में जुड़ गए थे। भले परमात्मा पाए न पाए अलग बात है, हम क्यों पीछे पड़े हैं। हमको श्री जी ने कहा सुरता एक ही राखी, हर हाल में सफलता प्राप्त करनी है आपको, आपको भी महापुरुषों की तरह शिखर पुरुष बनना है, तो सत्संग भजन भक्ति को पकड़ें और हम सभी सफलता की ओर आगे बढ़ें। आगू करनी है दौड़, आगू करनी है दौड़। प्रणाम। इस वीडियो को खूब शेयर करें, बहुत मेहनत करके, खूब मनन करके, रात रात भर अध्ययन कर करके आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। फिर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो मेहनत व्यर्थ जाएगा। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। प्रणाम।